हल्द्वानी में डेंगू का प्रकोप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ इस बीमारी की चपेट में आकर कई मरीजों की मौत हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कमी नहीं हो रही। डेंगू का बुखार हल्द्वानी में बेकाबू होता जा रहा है। ऐसे हालात को देखते हुए जिला प्रशासन के सारे दावे फेल होते दिख रहे हैं। हल्द्वानी में नगर निगम के गेट पर बैठकर नगर निगम के कई पार्षदों ने मेयर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे पार्षदों ने मेयर के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि नगर निगम डेंगू जैसी गंभीर बीमारियों के लिए मेयर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। वहीं कई पार्षदों ने फॉगिंग के नाम पर भी खानापूर्ति करने का आरोप लगाया। शहर में इस समय डेंगू एक महामारी का रूप ले चुकी है। 600 से ज्यादा लोग डेंगू के पीड़ित है शहर में। मेयर साहब को कोई सुध नहीं है, वो दिल्ली मुंबई के दौरे में लगे हुए हैं। शहर में इस समय न दवाई है न कुछ है, फॉगिंग के नाम पे केवल डीजल का धुआं करा जा रहा है, समझ रहे। और इस समय स्थिति यह हो चुकी है कि कई लोगों की जान जा चुकी है और इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन मेयर साहब की होती है। मैं कहूंगा नगर निगम प्रशासन को उनके लिए मुआवजा देना पड़ेगा जिन लोगों की जान गई भी है। हम आज यहाँ धरने में बैठे हैं क्योंकि नगर निगम सोया हुआ है। वार्ड नंबर 9 में डेंगू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक 7 साल की बच्ची की जान गई, एक 62 साल की कमलेश शर्मा निशान बिहार में रहती थी उनकी जान गई है। मैं कई बार नगर निगम में आके शिकायत कर चुका हूं कि साहब फॉगिंग कराई जाए और स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए जिससे लोगों को जो है राहत मिले डेंगू से, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और नगर निगम जो है सोया हुआ है। वहीं मेयर जोगिंदर रौतेला ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि इन लोगों को अपने समय का सही इस्तेमाल कर सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिए। उद्देश्यों के तहत बैठे हैं और इंदिरा गैंग के लोग मच्छर देख के काटेगा नहीं, ये विषय नहीं कह रहा हूँ। उनको अगर कोई विषय है, अब कई पार्षद ऐसे हैं वो कहते हैं कि डेंगू फैला हुआ है और जो दवा पड़ती है खाली डीजल उड़ा रहा नगर निगम, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। तो सब ये राजनीति से प्रेरित है, अपने दायित्व को समझे, राजनीति में ज्यादा प्रतिभाग करने के अलावा सामाजिक प्रतिभाग करें, ऐसा मेरे को उनको। धरने पर बैठे पार्षदों ने व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।